किसी ने पूछा कि सुख और आनंद में क्या फर्क है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया। सुख और आनंद में यही फर्क है कि दुख सुख जो है वो दुख को दबा देता है। समझिएगा, सुख जो है वो दुख को दबा देता है और आनंद जो है वो दुख को जड़ से खत्म कर देता है। बस इतना फर्क है। दबा कैसे देता है? सुख का मतलब तो कोई भी चीज प्राप्त हुई तो उसके बाद वो एक ना एक दिन खत्म होगी और खत्म होगी तो फिर उसका दुख हमारे पास वापस आएगा। लेकिन आनंद जीवन में प्राप्त होने के बाद दुख आने का कोई चांस बाकी ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो आदमी आनंद में जी रहा है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने को ढंग से रोटी भी नहीं होगी, लेकिन वो जीवन कैसे जीते? एकदम आनंद के साथ। आज भी आप वृंदावन में जाइए, ऐसे फकीर फक्कड़ बाबा, पहनने के लिए एक लंगोटी भी नहीं, पर उनके चेहरे की खुशी देखिए, उनका आनंद देखिए। एक रोटी मांग के लाएंगे, ना तो किसी बिजनेस की चिंता, ना उसको उनको किसी दुनिया की इकोनॉमी से मतलब, कहां क्या हो रहा है किसी से मतलब नहीं। एक रोटी खाई, माला जपे और आनंद में जिए, ये वो है जो एकदम मस्ती में रहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं। हम सब भी वैसे रह सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी खुशी दूसरों से भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ करके पात्र लेकर के उनसे मांगना पड़ता है हमको कि भैया हमारी खुशी हमें दे दो, हमें आनंद दे दो, हमारी इज्जत करो, हमें प्रेम दो, हमें मांगना पड़ता है। लेकिन दूसरों के साथ आपको किसी को